चार श्री जो ये है ना ये वाला, इस बार दिल्ली जाओगे ना तो इसको 3D करा देना। याद है आज भी मैं तुझे देवानंद के नाम से पुकारता था। क्यों पुकारते थे ये भी बता दो हमारे, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो झलक दिखती थी तुम्हारे कुछ। ये तीन खेत है, तीन खेतों में से दो खेत ताईजी और के हैं और एक खेत हमारा है। बट खेत किसी का भी हो, नुकसान तो नुकसान होता है। अगर इसको जानते हो ना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सबसे पहले प्रणाम और शिवा सोली आप सभी को। तो कैसे हैं आप सब, होप सो सभी बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो चलिए एक बार फिर से एक नई वीडियो की नई शुरुआत करते हैं, आइए फिर कुछ खास करते हैं। तो दोस्तों अभी जो वीडियो की शुरुआत हो रही है वो हो रही है लगभग 7:15 बजे। सुबह का नाश्ता भी हो गया है और वीडियो की शुरुआत करने के लिए मैं आप पहुँचा हूँ महादेव के धाम शिवालय में। वैसे ज़्यादातर बोलते हैं कि मंदिर में बिन खाए ही जाना होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। मंदिर के द्वार आपके लिए 24 घंटे खुले रहते हैं, आप कभी भी जा सकते हैं। तो मेरा मन का शिवालय माँ बसाया छन शिव जी, मन का शिवालय माँ बसाया छिन, तन का हिमालय माँ बसाया छिन, प्राणों का भीतर बसाया छन शिव जी। तो चलिए दोस्तों, भोलेनाथ के दर्शन भी हो गए हैं और आप सभी लोगों को भी हो गए हैं। आप भगवान भोलेनाथ आप सभी पर हमेशा कृपा बनाए रखें और आप सभी परिवार से सबको चल रहे हैं ना। आहा, यहाँ देखो तुम, सीधे धूप पड़ रही है चेहरे पे और इतनी तेज धूप लग रही है कि बताओ मत नहीं पूछो मत। पता, मंदिर में आके ना एक अलग सी ही पॉजिटिव वाइब आती है यार, आपका मन कैसा भी हो ना बिल्कुल शांत हो जाता है। इसीलिए मैंने आधे से ज्यादा लोगों को, कईयों को मंदिर दरबार में पहुंचते ही इमोशनल होते भी देखा है। बाकी दोस्तों ठीक शिवालय के सामने ये वाला पार्ट दिख रहा है, तो ये नीचे वाला पार्ट जो है वो एनम सेंटर है। ये पूरा एनम सेंटर था बट उसके ऊपर अभी कुछ दिन बाद काम हुआ है, कुछ दिन पहले काम हुआ है। तो यहाँ पे, यहाँ देखो, ये बन गया आयुष्मान भारत केंद्र। जो ये ऊपर वाला बना हुआ है ना, अभी नया बना हुआ है, तो ये सीधे सारा जो ये अलग टाइप के चादर है तो उसी से ये बना है पूरा का पूरा, इसमें कोई भी सीमेंटेड काम नहीं हुआ है। जंगली जानवरों के आतंक के लिए कोई भी, उनके लिए कोई भी मौसम नहीं बना है, कोई भी सीजन नहीं बना है या स्पेशल कोई भी महीना नहीं बना है। उनका जब मन करे तब वो उल्टे काम करके चले जाते हैं। तो दोस्तों उनके द्वारा किया गया एक और उल्टा काम मैं आप सभी को दिखाता हूँ। यहाँ देखो ये वाला है हल्दी का खेत और इसके ऊपर से घास बिछा रखी है हल्दी को सेफ रखने के लिए। तो देखो उन्होंने क्या कर रखा है, पूरे खेत की काय पलट कर दी उन्होंने, उल्टा यहाँ से और यहाँ तक पूरा खराब। और यहाँ देखो इस वाले खेत में भी भैया, यहाँ देखो तीन खेत है, तीन खेतों में से दो खेत ताईजी और के हैं और एक खेत हमारा है। बट खेत किसी का भी हो, नुकसान तो नुकसान होता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो टंकियां हैं, इस टंकी की तो हालत वैसे भी खराब हो रखी है और ये वाली टंकी फिलहाल ठीक ठाक है। यहाँ पर कभी एक पुरानी टंकी हुआ करती थी, उसको तोड़ ताड़ के इसको रिपेयरिंग करके दूसरी बनाई गई है, बट ये ज्यादा सक्सेस नहीं है। वही मुझे ज्यादा सक्सेस लगती थी क्योंकि वो पुराने टाइम की बनी थी और बिल्कुल मजबूत थी, पर पता नहीं किसी का क्या समझ में आया, उन्होंने इसको चेंज कर दिया। और सामने वाले को देखो, इसके कितने बुरे हाल हो रखे हैं। वैसे दोस्तों ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि बाहर कुछ चीज़ों को देखते हैं और किसी भी काम को देखते हैं और उस पर टिप्पणी करने लग जाते हैं, बट ये नहीं सोचते कि पहले वो अपने घर से शुरू होता है तब जाके बाहर जाके वो होता है। तो यहाँ देखो ये है हमारे गांव की स्कूल, प्राइमरी स्कूल देख लो, यहाँ से और यहाँ तक है और इसमें बच्चे पढ़ने वाले कितने हैं, मात्र 3, और वो भी आजकल 2 हो रखे हैं। कितने टाइम बाद आ रहे हो घर गाँव में? 5 साल। हाँ तभी पाँव जाम हो गए, डायबिटीज है। हाँ कोई बात नहीं, हो जाएगा सही धीरे धीरे, होले होले। ये वाला पेड़ देख रहे हो दोस्तों, ये वाला, हाँ ये वाला, ये अगर इसको जानते हो ना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। और इसका यूज हम कब करते थे, किस टाइम में काम आता था वो भी लिख देना। क्या खरल खरल कर रखी है। बड़े जी प्रणाम। सब ठीक ठाक यार, तुम दीदी ने एकदम कमाल हो गया यार,
देखो दोस्तों, ताऊ जी भी आ गए हैं मुंबई से, लगातार मेरी वीडियोस देखते हैं लगातार। मैं हमेशा फॉलो करता हूँ और बढ़िया है, चलो करो, उन्नति करो। हाँ जी, और भविष्य में आगे बढ़ो, इसी तरह अच्छी वीडियो बनाते रहो, लोगों का एंटरटेनमेंट करो। धन्यवाद, है ना। हाँ जी, और नई नई चीजें दिखाओ हमारे गाँव में, नई नई चीजें हैं, पुरानी चीजें हैं जो जो विलुप्त हो चुकी है। कई लोग उन चीजों को जानते भी नहीं है। हाँ बिल्कुल, है तो उन चीजों को दिखाओ ताकि हमारे नई पीढ़ी, आने वाला भविष्य, उनको पता लग सके, उनको पता लग सके ये चीज का महत्व क्या है। हाँ बिल्कुल, तो यही कहना है मेरा। बाकी चीजें नॉर्मल तो है ही, लोग आते हैं गाँव में खाली देखने के लिए, लेकिन उन चीजों को नहीं पहचान सकते। तो उन चीजों को पहचानना जरूरी है ताकि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को इस चीज का नॉलेज हो सके। क्या बात है। बाकी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, जो आपने मेरा नामकरण किया था बचपन में, मुझे अभी तक याद है। आज भी मैं तुझे देवानंद के नाम से पुकारता था। क्यों पुकारते थे ये भी बता दो हमारे। क्योंकि तुम्हारे अंदर वो झलक दिखती थी, तुम्हारे कुछ एक्टिंग उस तरह से आप क्या करते थे। हाँ, और एक आपकी एक टोपी थी। हाँ बिल्कुल, तो वो मुझे बड़े रास आती थी, इसलिए मैं तुम्हारा नामकरण कर दिया था देवानंद। देख लो दोस्तों, ताऊ जी मेरे को बचपन से देवानंद बोलते है। जब से मैंने ताऊ जी को देखा तब से, ताऊ जी ने मेरे को देखा तब से वही नाम है बस। छोड़ने बाद तो फिर एक बात, गद्दा होता झाड़ झोड़ी का, फिर पीरापुर जगह पर। अच्छा, दिन कट गया, मतलब दिन कट गया, काम भी हो गया, मजा आ गया, थोड़े शारीरिक फिटनेस भी बन गए उसमें भाई। चंचा भी खा दिया, चंचा भी खा दिया, मूली खिचड़ी खा दिया, चटनी बना दी। अरे वाह। और धनिया और लहसुन के पत्ते जयवीर के खेत से चुरा के ले आया मैं। अपनी बचपन की एक्टिविटीज ताजा कर दी, मतलब। चलो बढ़िया है। सबसे बढ़िया लहसुन शायद अभी दीदी का ही हो रखा है यार, है ना। यहाँ देखो कितने बड़े बड़े, ये तो कितने बड़े बड़े गिंड के हो रखे हैं। तो क्या का नया भाई साहब। हाँ खुशबू, हाँ खुशबू भी नहीं आती है। हाँ देखो तुम, ऑर्गेनिक चीजें हैं ये, पहाड़ों की ऑर्गेनिक चीजें। चार श्री जो ये है ना, ये वाला, इस बार दिल्ली जाओगे ना तो इसको थ्रेडिंग करा देना, थ्रेडिंग करा दिया थे। हाँ बड़ा गजब लगा है, ठीक है। एक और ऑर्गेनिक चीज दिखाता हूँ आपको, यहाँ देखो तुम यार भाई, इस बार नाशपाती में कितनी अच्छी मौलियाँ आ रखी है। तो हम लोग भी बड़े प्यार से खाते हैं यार, देखो उनके लिए भी भोजन अच्छा खासा हो जाता है चिड़ियों के लिए आजकल। अरे सुर भाई आ गए क्या तुम, जल्दी आ गए तुम यार। क्या भाई कहे, ओहो यहाँ देखो ऐसा भी होता है कभी कभी, माँ बड़े भैंस को बांधने ही भूल गई उस वाले को। ये तो सटियाल तो नहीं वाले। यहाँ देखो पहाड़ों में ऐसे होते हैं ना, तुम शहरों में गलियारे, वो गलियारे बोलते हैं और हम बोलते हैं इनको कोलन। परसों मैं इधर से जा रहा था, यहाँ से ठीक हाथ छूटा और सीधे नीचे गिरा, मैं तो बच गया। तब अब मैं आराम आराम से संभल के जाता हूँ। शॉर्टकट रास्ते होते हैं यार यहाँ। अरे वाह क्या बात है यार, महेश भाई की जय हो, महेश भाई की जय हो, जय हो। अरे वाह क्या बात है, जूस बनाने की तैयारी। सड़ी सड़ी क्या दोस्तों, ये वाला देखो, इनको बोलते हैं हम किम्पो टाइप होते हैं, इनको ऐसे खा नहीं सकते है ना। और हम लास्ट में क्या करते हैं, इनका जूस बनाते हैं। भाई साहब आपके बाल तो यार मतलब ऋतिक रोशन को टक्कर दे रहे हैं आप। कुछ नहीं है अभी तो, कुछ भी नहीं है, लग रहा है बालों का बहुत शौक है। शैम्पू का, हां मैं शैम्पू का ऐड करूंगा, देखना उत्तराखंड का जो सबसे बेस्ट शैम्पू क्या बनाएगा, हम उसके साथ खड़े रहेंगे अपने अच्छे बालों के साथ। अरे वाह क्या बात है, के साथ नेचुरल बालों के साथ। अरे वाह, इनको तो देख के वही दांतों में सिलझड़ी लग जाती है, सिलझड़ी बोले तो कनप सा हो जाता है। यहाँ देखो भैया सिलझड़ी बोले तो, सिलझड़ी बोले तो दांत खट्टे हो जाना। अच्छा दांत खट्टे हो जाना, अच्छा ठीक है, ये मुहावरा अक्सर स्कूल में भी आता था पेपर में। बोले दांत एकदम खट्टे हो जाना। हाँ डाई मार दे, तिलाई डाई मार दे, नाम बता पर।
लो भाई आ गया जोश। सोनू भाई पहले पी रहे यार, चेस्ट तो कर ले। चेस्ट खत्म हो गया, क्या मिला चेस्ट।